हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल स्वैप एक्सचेंज। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बिल स्वैप एक्सचेंज के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए। आज हम लोग इसके पहले मैंने आप लोगों को बिल स्वैप एक्सचेंज के इंट्रोडक्शन लेक्चर दिए, टाइप वन बताया था, टाइप टू बताया था, आज हम लोग करेंगे टाइप थ्री और टाइप फोर का फॉर्मेट क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, यस, तो आप बने रहिए, एंड तक देखिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए, इससे ज़्यादा लोग का बेनिफिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते आ जाते हमारे टॉपिक पे। देखिए टाइप वन क्या था, टाइप वन में मैंने आप लोगों को बताया था व्हेन द नेम ऑफ पे विल नॉट बी गिवन, पे का नाम नहीं दिया रहेगा, तो सिंपल हो गया। दूसरा क्या मैंने बताया था, व्हेन द नेम ऑफ पे विल बी गिवन, तो उसमें हम लोग लिखेंगे पे, हम पे का अभी मैंने इसके पहले अपलोड किया है। ओके, व्हेन द नेम ऑफ पे विल बी गिवन। थर्ड क्या है फ्रेंड्स, थर्ड है व्हेन नेम ऑफ पे इज नॉट गिवन, पे का नाम नहीं रहेगा, फर्स्ट के जैसा ये है बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस रहेगा, यानी वहां पे तो कुछ चेंजेस किया जाएगा ड्रॉइंग के थ्रू। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही इंट्रोडक्शन में ही यहाँ पे बताया था जनरल, क्लियर एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, फिर बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट, नॉन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, वो मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो अगर अभी तक वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं दिया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, पहले वो लेक्चर देख लीजिए फिर इसको देखिए, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होता है या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है, आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यस, चलिए देखते हैं। ओके, क्या दिया है टाइप थ्री, व्हेन नेम ऑफ पे इज नॉट गिवन बट कंडीशनल एक्सेप्टेंस, नेम ऑफ पे नहीं दिया रहेगा। तो अगर आप लोग के पास रिलायबल सेट है तो पेज नंबर 299 का जो सम है मैं वो करा रहा हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट में आप लोग को दिखा रहा हूँ, सम का स्क्रीनशॉट में आप लोग को दे रहा हूँ। क्या दिया, देखिए, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना है, इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है, पहला ड्रॉई, हमारा क्या फॉर्मेट रहता है फ्रेंड्स, पहले नेम ऑफ ड्रॉवर चाहिए हमको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का नाम क्या दिया है, देखिए एमएम शेख सतारा रोड सांगली। ओके, एमएम शेख सतारा रोड सांगली, तो क्या करेंगे यहां पे हम लोग लिख देंगे एमएम शेख फुल स्टॉप सतारा रोड सांगली। ओके, तो इसका एड्रेस भी एंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है डेट ऑफ बिल, डेट कब उसने बिल बनाया है, तो डेट ऑफ बिल क्या दिया हुआ है, 10th मार्च 2013, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10th मार्च 2013। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आप एंड तक देखिए, आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, व्हेन नेम ऑफ पे इज नॉट गिवन, पे का नाम नहीं दिया है बस। उसके बाद क्या रहता है फ्रेंड हमारा, यहाँ पे हम लोग लाइन लिखते हैं, कौन सा लाइन, थ्री लाइन, क्या लिखते हैं उसमें, पे टू। ओके, क्या लिखते हैं, देखिए पहले पीरियड रहता है, पीरियड हमारा कितना दिया है 90 डेज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90 डेज आफ्टर द डेट पे टू मी और माय, 90 डेज आफ्टर द डेट के बाद कॉमा आता है, पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, कितना रुपीज फ्रेंड्स, द सम ऑफ रुपीज, रुपीज कितना दिया है 12,800। ओके, तो 12,800 यहाँ भी आएगा फिगर में, 12,800 ओनली फॉर द वैल्यू received। ओके, ये इतना लिखना रहता है। ओके, इतना लिख दिया, देखिए यहाँ पे पेई का कहीं का इंट्रोडक्शन किया है, स्क्रीनशॉट पे आपको दिख रहा है क्या, पेई, पेई का नाम नहीं दिया, तो वही है ये, पेई का नाम नॉट गिवेन लेकिन कंडीशनल है। अभी कंडीशन क्या है उसमें, देखिए डेट ऑफ बिल लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या आता है एसडी, और ये ड्रॉवर का पूरा पार्ट होता है एमएम शेख लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे ये एंड होता है वहाँ पे ड्रॉइंग का चालू होता है, टू नेम ऑफ ड्रॉइंग, नेम ऑफ ड्रॉइंग क्या दिया है फ्रेंड्स, देखिए नेम ऑफ ड्रॉइंग दिया हुआ है एमपी शिंदे सिद्धार्थ नगर पंचगनी, एमपी शिंदे फुल स्टॉप सिद्धार्थ नगर कॉमा पंचगनी फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड फ
फॉर, अभी तक मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था सिर्फ वहाँ पे एक्सेप्टेड लिखना था. एक्चुअली स्टार्टिंग में जो पहला सम करा दिया था ना मैंने, वो कंडीशनल ही कराया था आप लोगों को. ओके, आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 2 में एक्सेप्टेड फॉर. देखिए एक्सेप्टेड फॉर, अभी यहाँ पे आप लोग को मैं थोड़ा सम को चेंजेस कर रहा हूँ कि एक्सेप्टेड फॉर, जैसे यहाँ पे 90 डेज दिया है, हो सकता है जो ड्रॉई है मिस्टर एमपी सिंधे वो 90 डेज में पैसे नहीं दे सकता, वो क्या करेगा, कुछ चेंजेस करेगा बिल में, बोलेगा नहीं मैं एक्सेप्टेड फॉर 90 डेज नहीं, मैं 120 डेज के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 120 डेज यानी 4 मंथ्स के लिए. ओके, यस, यहाँ पे 90 डेज दिया था, उसने बोला नहीं मैं 90 डेज में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आई एम एक्सेप्टिंग योर बिल फॉर 120 डेज मीन्स फॉर 4 मंथ्स. ओके, फिर यहाँ पे क्या आता है एचडी, तो यही था, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं थी, यही था एक्सेप्टेंस यानी. ओके, यही था क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है ये, एक्सेप्टेड फॉर 120 डेज एक्सेप्टेंस यानी क्वालिफाइड. ओके, क्या है ये, क्वालिफाई कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं ऐसा करूँगा. ओके, 120 डेज तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गया. फिर उसके यहाँ पे इसका नाम आता है एमपी शिंदे और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, 14th March 2013. ओके, यस, आप लोग बैठिए मत, आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो इससे क्या होगा आप लोग बाद में भी कर सकेंगे, आसानी रहेगी. अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 4 में क्या एड्रेस दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखा हुआ है व्हेन नेम ऑफ पेई इज नॉट गिवेन, पेई का नाम नहीं दिया रहेगा, नहीं यहाँ पे नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे है व्हेन नेम ऑफ पेई इज गिवेन विथ कंडीशन, पेई का नाम भी दिया रहेगा वहाँ पे, कंडीशन भी है. ओके, कंडीशन तो यहाँ पे भी थी, कंडीशनल एक्सेप्टेंस यहाँ भी था, एक तो 90 डेज के लिए दिया था. देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कंडीशनल क्या होता है, यहाँ पर 90 डेज के लिए उसने बिल ड्रॉ किया था, किसने, ड्रॉवर ने, लेकिन ड्रॉई जो है एमपी सिंधे ने, उसने बोला नहीं आई एम एक्सेप्टिंग योर बिल फॉर 120 डेज. तो अगर ऐसा कुछ होता है ना तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कंडीशनल एक्सेप्टेंस. ओके, समझ में आया, तो यहाँ पे और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे पेई का नाम नहीं दिया है, वहाँ पे पेई भी है और कंडीशनल भी है. ओके, तो क्या रहेगा, देखिए अभी इसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं, आपके पास अगर ये रिलायबल है तो, ओके रिलायबल नहीं है तो आपको स्क्रीन पर तो मिल ही जा रहा है सब. क्या है देखिए, दिया हुआ है ड्रॉवर रमेश मिश्रा LBS रोड, कौन दिया है, ड्रॉवर रमेश मिश्रा फुल स्टॉप LBS रोड, ये ड्रॉवर है रमेश मिश्रा LBS रोड घाट कोपर मुंबई. उसके बाद डेट दिया है, डेट ऑफ बिल यहां पर रहता है, डेट ऑफ बिल क्या दिया है फ्रेंड्स, डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, डेट ऑफ बिल 17th February 2014. ओके, यस, तो यहाँ पे डेज का एक्सेप्टेंस था. ओके, डेट को चेंज किया था, डेट 90 डेज था 120. हो सकता है डेट की जगह अमाउंट दे दे, अमाउंट का भी कर सकते हो. ओके, जैसे उसने बोला था कितने के लिए, कितना अमाउंट था, सम ऑफ 12,800, हो सकता है हम यहाँ पे लिख सकते थे 12,000 ही एक्सेप्ट कर रहा है वो. ओके, वो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी आफ्टर द डेट. ओके, क्या कितना डेज दिया है, देखिए 45 डेज दिया है, 90 डेज दिया है, कितना दिया है 90 डेज आफ्टर द डेट. पे टू पेई का नाम इसमें देखिए पेई का नाम नहीं दिया था, इसमें पेई का नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेई का नाम रुपेश कुमार पांडे, पे टू रुपेश कुमार पांडे, रुपेश कुमार पांडे, पांडे के बाद उसका एड्रेस आता है, उसका एड्रेस क्या रहेगा ऑफ, देखिए उसका एड्रेस क्या दिया है ऑफ राजकमल चौक अमरावती, राजकमल चौक अमरावती, यहाँ पे प्लेस का मैं इसलिए थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, आपको उसी लाइन में जाना है अमरावती. अभी रुपेश कुमार इज अ मेल पर्सन, तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, हिज ही रहेगा, हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज कितना रुपीज दिया है फ्रेंड, द सम ऑफ रुपीज, रुपीज कितना दिया है 25,000, द सम ऑफ रुपीज 25,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. ओके, यस, और यहाँ पे क्या आता है SD एंड रमेश का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ ड्रॉवर रमेश मिश्रा,
उसके बाद यहाँ पे जैसे ही रमेश मिश्रा एंड होता है ड्रॉई आ जाता है। ड्रॉई का नाम क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ड्रॉई दिया है नंद कुमार शर्मा, नंद कुमार शर्मा, ओके नंद कुमार शर्मा। उसके बाद नंद कुमार शर्मा का एड्रेस आप लोग देख रहे हैं, लक्ष्मी रोड पुणे, लक्ष्मी रोड पुणे। उसके बाद एक्सेप्टेड, ओके फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखा जाता है एक्सेप्टेड, आप लोग स्क्रीन पर देख रहेंगे एक्सेप्टेड फॉर, एक्सेप्टेड फॉर क्या लिखा है 20,000, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 20,000 ओनली, ओके ये हो गया एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 20,000। आप रुपीज को ऐसे नहीं लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस रुपीज 20,000। देखिए यहाँ पे डेज में चेंजेस किया था, 90 डेज था 120 कर दिया, यहाँ पे 25,000 है, कितना है 25,000, और यहाँ पे क्या कर दिया 20,000 कर दिया, यानी 25 नहीं देगा, कितना देगा सिर्फ 20,000 देने वाला है। फिर एसडी के बाद क्या रहता है, नेम ऑफ ड्रॉई नंद कुमार। देखिए पेई का नाम सिर्फ बीच में आता है और पेई का कहीं भी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पेई का नाम बीच में आएगा नंद कुमार, बाकी एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ड्रॉई एक्सेप्ट कर रहा था, ड्रॉई का नाम रहेगा नंद कुमार, ओके शर्मा, नंद का कुमार शर्मा, ओके। उसके बाद क्या रहता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या दिया है 20 फरवरी 2014। ओके फ्रेंड्स तो बस आज के लिए इतना ही, मैंने आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अगर नहीं समझता है लेक्चर को बार बार देखिए, इसके पहले मैंने ऑलरेडी विल्स ऑफ एक्सचेंज के लेक्चर अपलोड किए कर दिए। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर जाएंगे आप तो लिख टाइप कीजिए सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस तो मेरा चैनल मिलेगा। मेरे चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाइए, मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, ओके वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आप सर्च कीजिए विल्स ऑफ एक्सचेंज बाय सत्यदेव पांडे सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस, तो आप लोग को विल्स ऑफ एक्सचेंज के सारे चैप्टर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप लाइन वाइज देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, यस थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।